दर्दनाक हादसा बिजली का करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो चुकी है दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है मैं हूं अरुण शर्मा और हम इस समय स्पॉट पर मौजूद हैं उधमपुर के दुद्धादार मंदिर के बिल्कुल नजदीक वहां पे हम मौजूद हैं मैं आपको पहले बता दूं कि एक खंबा मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सोलर लाइट का खंबा है इस समय ये यहां पर पड़ा हुआ लेकिन कुछ देर पहले ये खंबा उस तरफ था बिल्कुल वो पेड़ सूखा हुआ पेड़ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं और ये यहीं पे था कुछ युवक यहाँ पे मंदिर का कार्य जो है वहां पे कर रहे थे मंदिर के कार्य के लिए वहां पे काम कर रहे थे लेकिन ये खंबा जो है काफी दिनों से नीचे गिरा हुआ था और जब यहाँ से जब यहाँ से उठाने का प्रयास यहाँ से करने लगे तो बैलेंस जो है वो बिगड़ गया और ऊपर ये तारे आप देख सकते हैं ये साफ बिजली की तारे हैं और या इसके साथ वो टच होता है और जो तीन लोग उसको खंबे को पकड़े हुए थे वो इस करंट की चपेट में आ जाते हैं और उसमें से एक युवक की जो मृत्यु है वो हो जाती है फिलहाल पहले मैं आपको नाम जरूर बताना चाहता हूं ये नाम जो है माधव सन ऑफ कुलदीप कुमार उम्र इसकी पच्चीस वर्ष है और ये कोर्ट रोड उधमपुर का रहने वाला है इसकी इस हादसे में मृत्यु हो चुकी है ये जान गवा चुका है और उसी के बाद दूसरे जो शख्स हैं वो है राकेश शर्मा ये पुत्र बोधराज इसकी उम्र जो है 36 वर्ष और वार्ड नंबर के ये रहने वाले हैं उधमपुर के और उसी के साथ एक और देवराज जिनका नाम है पुत्र चातराम और ये रहने वाले छन्नी के हैं यानी कि उधमपुर के हैं इनकी उम्र लगभग पचास वर्ष बताई जा रही है मैं आपको बता दूं कि जो माधव जो हैं उनकी फिलहाल मृत्यु हो चुकी है इस समय वो हॉस्पिटल उधमपुर में है तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिये ये जो एरिया है ये सूखा पेड़ आप देख सकते हैं और इसके ऊपर जो देखिये है पहले तो ये केबल की वायर है और उसके ऊपर ये बिजली की तारे हैं आप साफ दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से लाइव देख सकते हैं ये तारे बिजली की हैं वो खंबा जो है यहीं पे पड़ा हुआ था और दुदाधार मंदिर के लिए ये जो सेवक हैं ये कार्य कर रहे थे जन्माष्टमी आने वाली है लेकिन जब ये खंबे को उठाते हैं तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और खम्बा जो है बैलेंस बिगड़ने के कारण उन तारों के साथ टच होता है और वो तीन लोग जो है वो इस तारों की जो करंट थी इसकी चपेट में आ जाते हैं ये देखिए ये वो खंबा है अभी कुछ ही देर पहले इसको कुछ लोगों द्वारा पुलिस द्वारा इसको हटाया गया वहां से ताकि कोई और इस हादसे का शिकार ना हो ये वो खंबा है ये मैं आपको बता दूं कि सोलर लाइट है ये देखिए ये सोलर लाइट का खंबा है और यहाँ पे ये इसको अब सड़क के इस तरफ किया गया है अब मैं इस जगह की एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिन पहले लगभग एक महीना पहले यहाँ पर एक बहस जी हाँ एक बैंस भी इस ये जो तारे देख रहे हैं इनका शिकार हुई थी और सुनने में आ रहा है कि वो जो है वो यहीं पे कुछ हरा भरा खाने का प्रयास करने लगी होगी लेकिन एक तार ऊपर से लटक रही थी और वो उसकी चपेट में आ गई और वह भी अपनी जान गवा बैठी थी इसी जगह पे सेम स्पॉट लेकिन उसके बाद भी किसी ने कोई सबक नहीं लिया और अब एक हादसा जो है वो फिर से दोहराया गया है यहाँ पे में और एक युवक 25 वर्षीय युवक माधव जिसका नाम है उसने इस हादसे में अपने जो जो प्राण अपनी जान जो है वो खोदी है जिनके परिवार का सदस्य जाता है उन्हीं को पता होता है और मैं आपको बता दूं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि एक महीना पहले एक भैंस इन तारों की चपेट में आई थी करंट लगा था लेकिन तब भी उसके बाद भी किसी ने कोई सुध नहीं ली फिर भी किसी को शर्म नहीं आई बिजली विभाग की बात करें तो खम, कम कम से कम उसके बाद उन्होंने आंखें खोलनी चाहिए थी कि ये जो जो हैं 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 ये करंट कर रही एक जान ले चुकी लेकिन आज हादसा हुआ है 25 वर्ष जवान जी हाँ युवक माधव जिसका नाम है वो उसकी चपेट में आया है और ये देखे ये वो खंबा मैं आपको फिर दिखाना चाहता हूँ ये वो खंबा है इसी को वो सुनने में आ रहा है की तीन युवक तीन सेवादार जो दुद्धाधार मंदिर के लिए कार्य यहाँ पे कर रहे थे ये ये वो सोलर लाइट है और ये एक शख्स की एक युवक की जान ले चुकी है इस समय और काफी दर्दनाक हादसा जिला उधमपुर में पेश आया है और मैं तारे दिखाना चाहता हूं ये देखिए, फिलहाल ये देखिए इस समय इन पेड़ों के साथ भी टच हो रही है ये और अभी तक यहाँ पे बिजली विभाग की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा है जी हाँ ये देखिए खम्बे को यहाँ पे पुलिस व कुछ युवकों द्वारा इसे उठाया गया साइड पे किया गया ताकि किसी और शख्स को ये करंट ना मारे लेकिन ये दर्दनाक हादसा जो है हम उधमपुर से आपको सुना रहे हैं उधमपुर के दुदाधार मंदिर के बिल्कुल नजदीक है मंदिर के लिए ये सेवादार जो है कार्य कर रहे थे जन्माष्टमी आने, आने वाली है उसी के लिए ये लोग मंदिर की सेवा कर रहे थे और भी कुछ लोग थे लेकिन खैर किस्मत की बात है ये तीन लोग जो है वो करंट की चपेट में आते हैं और ये हादसा जो है इस तरह से यहाँ पे होता है फिलहाल जो दो लोग जिनके मैंने बताया कि घायल हैं उन्हें फिलहाल जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया है हालत उनकी थोड़ी गंभीर थी लेकिन फिलहाल वो ठीक बताए जा रहे हैं और जम्मू उन्हें रेफर कर दिया गया और लेकिन एक मादव जो है वो युवा पच्चीस वर्षीय उनकी फिलहाल मृत्यु बताई जा रही है